के अंदर और दिखाना, कैमरामैन चाहेंगे एक बार दिखाइए यहाँ का जो नज़ारा है कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया यहाँ पे मकान लोगों का बना हुआ है, पहाड़ है, सब चीज़ है, मंदिर है यहाँ पे, कैसे छोटे छोटे जगह को नेपाल अपना जो है टूरिज्म टूरिज्म प्लेस बना लेता है, लेकिन इंडिया में जो बिहार में अभी तक टूरिज्म प्लेस एक भी जगह दिखाई दिखने देखने को नहीं मिलता, हर जगह आपको दिखाते हैं नेपाल में मंदिर के पास है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी सोच न्यूज नेटवर्क में। तो बढ़ते हैं खबरें की ओर। वैदिक काल से ही नेपाल शब्द की उत्पत्ति हुई है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल के लुम्बिनी में था, इसलिए यहां बौद्ध धर्म की बहुत मान्यता है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए महिषोद से सुरेश चौपाल, कंकारी से हरेराम यादव, झरोला टोल से शशिकांत यादव, मधुवन से रविंद्र शर्मा, केवटगामा से नीतीश कुमार, कुंजवन से चंदन चंचल और मदन मोहन कुमार ने कुछ रुपये डोनेट किए हैं। अगर आप भी हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने इच्छानुसार हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे नंबर वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी, वहां पर आप अपने इच्छानुसार डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अपनी असीम सुंदरता के लिए यात्रियों के बीच प्रसिद्ध नेपाल एक अद्भुत एहसास प्रदान करता है। हिमालय के मनोरम नज़ारे, शोभित पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र और वन्य जीवों का दृश्य है, ये सभी एक साथ एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह कोई सपने जैसा है, पर सपने से जागिए क्योंकि यह हकीकत है। नेपाल दर्शनीय स्थान एक ऐसा सौंदर्यपूर्ण सफर है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगा। यह देश विश्व का सबसे मशहूर यात्रियों का गंतव्य स्थान है, जहाँ पूरे साल भर पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ भी भारत की तरह कई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग मिलनसार होकर रहते हैं। तो आइए खबरों को जानते हैं अपने संवाददाता के साथ। भारत और नेपाल के बॉर्डर पे जो अपना वेराज है वहाँ पे हैं, अभी आप दिखा सकते हैं, कैमरा मैन सर कहेंगे कि दिखाइए आप पूरा नज़ारा, यहाँ कितना बढ़िया नज़ारा है। और इस साइड हमारे जो इस साइड है 56 बिहार से जो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो इंडिया में जाता है और इतनी तबाही मस्ती है। तो आप लोग किस जिला से हैं? हम लोग सहरसा जिला से हैं। सहरसा जिला से हैं, तो यहाँ से पानी जाता है तो सहरसा तो डूब जाता है। हाँ, तो दिक्कत होता है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होता है। कहाँ पे आपका सहरसा, कौन सा ब्लॉक में घर है? हम लोग सहरसा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पड़ता है, क्या कहता है, ये भीरा। भीरा में उधर तो पानी नहीं जाता? नहीं जाता उधर। तो जो लोग नवट्टा में रहता है या जो लोग महसी में रहता है वो सब परेशान होता है? हाँ, होता है, बहुत काफ़ी होता है। देख पा रहे यहीं से पानी छोड़ा जाता है और ये नेपाल के अंदर अभी हमें, और यहाँ पे जो है आगे में आपको बताते चले, वहाँ पे जो है गाड़ी का भाड़ा करता है, गाड़ी का वहाँ पे से कोई भी गाड़ी अगर अंदर लाना चाहते हैं तो वहाँ से आप गाड़ी का पर्ची कटवा के अंदर जा सकते हैं। चाहे आप जाए, बाइक का 100 रुपये लगता है और कार का 500 रुपये लगता है, यहाँ पे किराया डिसाइड है। और यहाँ पे 100 रुपये लाइएगा तो 100 रुपये का 160 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं नेपाल का, और भी नज़ारा देख सकते हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आपको आके कैसा लगा नेपाल? बहुत अच्छा लगा। नेपाल का वातावरण ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। नेपाल बिहार से ज़्यादा डेवलप है? नेपाल डेवलप है, महंगा ज़्यादा ही है, बहुत डेवलप है, डेवलप नहीं रहना चाहिए। देख पा रहे हैं नेपाल की रोड दिखाइए यहाँ पे, और बिहार की रोड देखिए कि बिहार में कहीं पे गड्ढा है, ये है वो है, यहाँ के जैसे रोड क्यों नहीं बनाती है बिहार सरकार? बिहार सरकार में इतना लूट मचा हुआ है, हर इंजीनियर और ठेकेदार पैसा खाने में लगा रहता है। हाँ जी, नेपाल में तो एकदम टनाटन रोड है। जी हाँ, टनाटन है, यहाँ नेपाल में भी है, पर कहीं कहीं नेपाल में देखते हैं कि पूरा गड्ढा मच है अभी अभी भी नेपाल में, देहातर में कहाँ है रोड। देख पा रहे हैं नेपाल में भी कहीं कहीं पे है, लेकिन नेपाल में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता है। और ये चाहेंगे कि नेपाल में एक बार आप लोग आइए, और यहाँ पे जो है अपना बहुत जगह घूमने की जगह है, यहाँ पे से आप काठमांडू जा सकते हैं, वहाँ पे भी घूम सकते हैं। और यहाँ पे बहुत जगह घूमने का भी जगह है, वहाँ पे पैरा ग्लाइम्बिंग होता है, क्लाइम्बिंग होता है बहुत, यहाँ पे बड़े बड़े झूले हैं। और यहाँ पे 56 जो वेराज है, 56 गेट है, यहीं से होकर बिहार पानी जाता है, जहाँ पे बिहार में जाके तबाही मचाता है। ये बताइए बिहार के सर कौन से ज़िले से आए हैं? अररिया जिला से आए हैं। तो बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ का ठेकेदार सब पैसा खा जाता है, नेपाल में कितना डेवलपमेंट है, आपको कहाँ अच्छा लगा? देखिए ऐसे तो हमको दोनों जगह अच्छा लगा, ये बात नहीं, सब काम अच्छे ही करते। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे आप? अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, राजविलास की तरफ जाएंगे घूमने के लिए, फिर अपना विराटनगर की तरफ जाएंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। ये बिहार की तरफ नदी जा रही है,
यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ लोग नाव पे बैठ के नदी पार कर रहे हैं नेपाल के अंदर। और दिखाना कैमरा मैन चाहेंगे, एक बार दिखाइए यहाँ का जो नज़ारा है कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया यहाँ पे मकान लोगों का बना हुआ है, पहाड़ है, सब चीज़ है, मंदिर है यहाँ पे। कैसे छोटे छोटे जगह को नेपाल अपना जो है टूरिज्म प्लेस बना लेता है, लेकिन इंडिया में जो बिहार में अभी तक टूरिज्म प्लेस एक भी जगह देखने को नहीं मिलता। हर जगह आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, लेकिन नेपाल में देखिए छोटे छोटे टूरिज्म प्लेस यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, घूमते हैं और यहाँ से अंदर ऊपर जा रहे हैं और नीचे जाते हैं, तो ठीक देख पा रहे हैं। और नीचे में देखिए कितना छोटे छोटे लोग नीचे में जो रोड है कैमरा मैन साहब को दिखाने के लिए रोड लोग जा रहे हैं इधर से उधर। और यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे घूमने आते हैं बिहार से, नेपाल से और इंडिया से, बहुत देश से नेपाल आते हैं, लेकिन अपने बिहार में इतना पैसा होते हुए भी अपने बिहार सरकार जो है कोई ढंग का टूरिज्म प्लेस नहीं बना पा रही है। देख पा रहे हैं किस तरह से पुल बनाया गया है। और हमारे बिहार में जाकर देखिए कोई भी पुल बनता है 5 दिन के अंदर टूट जाता है, गिर जाता है। यहाँ पे देखिए पुल 400 साल से बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे ना टूटा है ना कुछ हुआ है। आइए आपको कुछ लोगों से यहाँ पे बात कराएंगे। ये बताइए मैडम जी, यहाँ का जो है क्या नाम है, इस जगह क्या नाम है, क्या नाम है इस जगह का, पुल का नाम? सोरा पुल है ये, देख पा रहे हैं वार्ड नंबर 14 में है। और देख पा रहे हैं वार्ड नंबर 14 में है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं नगाड़ा का हुआ दिखाने के लिए, ऐसा नगाड़ा बिहार में किन्हीं टूरिज्म प्लेस बनाया जाता है।